हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप सभी को लेकर आ गई हूँ अपने कस्टर्ड एप्पल के गार्डन में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीछे कस्टर्ड एप्पल लगे हुए हैं। तो आज मैं आप सभी को इन्हीं को दिखाऊंगी। और बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि जो कस्टर्ड एप्पल है उसका गार्डन जो है, तो मैं हमेशा आपको कस्टर्ड एप्पल की हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ, कस्टर्ड एप्पल के बारे में आप सभी को बताती हूँ। जब भी मैं कस्टर्ड एप्पल तोड़ती हूँ, यानी कि सीताफल जिन्हें बोलते हैं, तो सभी बताती हूँ। तो इस बार क्या हुआ है कि अभी अगस्त में ही हमारे यहाँ जो है सीताफल जिन्हें कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं तैयार हो चुके हैं और पकने लगे हैं। हमेशा ये मेरे जो वीडियो होते हैं कस्टर्ड एप्पल से रिलेटेड, और ये काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं, विंटर में आते हैं, पर इस बार बहुत जल्दी मैं आप सभी को कस्टर्ड एप्पल दिखा रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अभी अगस्त चल रहा है और लगभग 20 दिन हो गए हैं और बारिश नहीं आई है, बारिश बिल्कुल ना के बराबर अभी हमारे यहाँ हो रही है। तो ये जो कस्टर्ड एप्पल हैं ये धीरे धीरे पकना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये जो है कि पक रहे हैं, तो फिर इन्हें सारी गिलहरियाँ खा रही हैं, दूसरे पक्षी भी खा रहे हैं। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है हमारे यहाँ कस्टर्ड एप्पल के लिए कि ये इतनी जल्दी पक गए हैं। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ पहली बार बारिश के मौसम में कस्टर्ड एप्पल खाने का अलग ही मज़ा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कस्टर्ड एप्पल यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने सारे, पर इन्हें पक्षियों ने खा लिया है। ये देखिए, वो यहाँ पर जो कस्टर्ड एप्पल दिख रहा है सीताफल, उसे पक्षी खा चुके हैं। और वो दूर एक सीताफल है जो कि पक्के फट चुका है। तो जो लोग भी सीताफल के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा, ये मार्केट से भी अगर आप ला कर इन्हें खाते हैं तो ये विंटर के पहले नहीं आते हैं, दिवाली के टाइम पर आते हैं, पर अभी अगस्त चल रहा है और इस तरीके से पक चुके हैं। इसका कारण मैंने आप सभी को बता दिया है। और ये देखिए कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है काफ़ी दिनों से, इस कारण ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी से पक चुके हैं। और रोज़ सारे पक्षी और गिलहरियाँ हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, तो वो आती हैं इन्हें चेक करने, क्योंकि वो खाते हैं तो इन्हें चेक करने आती हैं। और हमें तो इतना अभी पता नहीं था कि ये पकने वाले हैं, तो हमने ध्यान नहीं दिया, पर बहुत सारे जो हैं कस्टर्ड एप्पल को पहले ही खा चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे कस्टर्ड एप्पल लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कस्टर्ड एप्पल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसे भी खा चुके हैं पक्षी और गिलहरियों ने खा लिया है, इसी तरह के कई सीताफल को इन लोगों ने खा लिया है। तो चलिए मैं भी आप कुछ को तोड़ के दिखाऊंगी। तो इधर देख सकते हैं एक दूसरा पेड़ है जिसमें कि ये प्यारे प्यारे से सीताफल लगे हुए हैं, और इधर भी काफ़ी सारे खा चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, इसलिए सभी पक्षी ने खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और ये देखिए, इनकी स्वीटनेस के कारण हर कोई इन्हें खाना पसंद करता है। और काफ़ी ज़्यादा कस्टर्ड एप्पल लगे हुए हैं, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ कस्टर्ड एप्पल ही दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनका, तो ये बहुत ही नई बात है कि अगस्त में इस तरीके से कस्टर्ड एप्पल लग रहे हैं और पक भी चुके हैं। क्योंकि मौसम के कारण ऐसा हो रहा है, बारिश नहीं आई है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और उसी गर्मी की वजह से ही पक चुके हैं। तो चलिए मैं भी आप सभी को कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कस्टर्ड एप्पल को तोड़ के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पक चुके हैं। तो वहाँ पर एक दूर लगा है इनका, इनमें ये बात होती है कि बहुत ज़्यादा दूर लगे होते हैं तो इन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे कि वहाँ पर दूर जो है वो लगभग पक चुका है, तो इसे हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही ध्यान से कुछ गिर भी चुका है, बंदर की भी आवाज़ आ रही है, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं टूटे हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप, ये कस्टर्ड एप्पल को मैंने अभी तोड़ लिया है क्योंकि बंदरों की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए अभी हम नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि फिर बंदर आ जाएंगे। तो ये देखिए, इसे तोड़ा है, बहुत टेस्टी हैं ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इन्हें बर्ड्स ने खा लिया था। तो चलिए, कैसे लगे आपको कस्टर्ड एप्पल ज़रूर बताइएगा। फिर से नई वीडियो में मिलेंगी, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।